एक नवंबर आज आप अपना बर्थडे इनके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि आज आप किनके साथ अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं? आप उनके साथ न सिर्फ अपने जन्म का महीना और राशि शेयर कर रहे हैं, बल्कि ये तारीख 1 नवंबर भी। ऐश्वर्या राय बच्चन, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन आज अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं। उनका जन्म आज ही के दिन साल 1973 में कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। उनके पिता कृष्णराज राय पेशे से मरीन इंजीनियर है और माँ वृंदा राय एक लेखिका है। उनके बड़े भाई का नाम आदित्य राय है। ऐश्वर्या हिंदी के अलावा कन्नड़, मराठी, अंग्रेजी और तमिल भाषा में भी बात कर लेती हैं। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुई। जब वो 57वीं क्लास में थी तब उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। फिर मुंबई में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मॉडलिंग भी शुरू कर दी। साल 1994 में ऐश्वर्या मिस इंडिया प्रतियोगिता की रनर अप रही। फिर उसी साल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। उसके बाद उन्हें कई फिल्मों से ऑफर मिलने लगे। फिल्म और प्यार हो गया उनकी करियर की पहली हिंदी फिल्म थी। साल 2000 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम और 2003 में देवदास के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दाएं हाथ के बल्लेबाज और ऑफ स्पिन गेंदबाज वीवीएस लक्ष्मण का आज 43वां जन्मदिन है। लक्ष्मण आमतौर पर वेंकट साई लक्ष्मण के नाम से जाने जाते हैं। लक्ष्मण भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भतीजे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में डेकन चार्जर्स टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। भारत सरकार उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। लक्ष्मण ने साल 1996 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलकर अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। आखिरी टेस्ट साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है। इस बीच कुल 134 मैचों में 1135 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 8781 रन बनाए। यही नहीं बल्कि 17 बार सेंचुरी और 56 हाफ सेंचुरी भी ठोकी। वीवीएस लक्ष्मण ने पहला वनडे साल 1998 और आखिरी 2006 में खेला था। इस दौरान खेले गए 86 वनडे में 2338 रन बनाए। एप्पल CEO टिम कुक, मशहूर मोबाइल फोन कंपनी एप्पल के CEO टिम कुक, टिमोथी डोनाल्ड कुक का आज 57वां जन्मदिन है। हाल ही में एप्पल ने आईफोन 8, आईफोन 8 प्लस और आईफोन X प्लस सहित कई गैजेट्स को लॉन्च किए हैं। कुक ने मार्च 1998 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड वाइड के रूप में एप्पल कंपनी ज्वाइन की थी। उसके बाद वर्ल्ड वाइड सेल्स एंड ऑपरेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बने। 24 अगस्त 2011 को उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। साल 2014 में कुक सार्वजनिक रूप से फॉर्च्यून 500 कंपनी के पहले CEO बन गए। इसलिए अगर आप अपना जन्मदिन इनके साथ शेयर करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 1 नवंबर को सच में महान लोग जन्म लेते हैं। हैप्पी बर्थडे।